1904 में आज ही के दिन मशहूर हिंदी लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। 1913 में 9 वर्ष की आयु में सुभद्रा की पहली कविता मर्यादा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह कविता सुभद्रा कुंवरी के नाम से पत्रिका में छपी थी और नीम के पेड़ पर यह कविता लिखी गई थी। मुकुल झांसी की रानी, बिखरे मोती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भारतीय तटरक्षक सेना ने 2006 में सुभद्रा कुमारी चौहान को सम्मानित करते हुए नवनियुक्त तटरक्षक जहाज को उनका नाम दिया है। 1960 में आज एक दिन साइप्रस को यूनाइटेड किंगडम से मुक्ति मिली थी। इस दिन को साइप्रस में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है और राजभाषाएं ग्रीक और तुर्की हैं। साइप्रस भूमध्य का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। साइप्रस को पर्यटक बहुत पसंद करते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष 2.4 मिलियन से अधिक पर्यटक आते हैं। 1 मई 2004 को साइप्रस यूरोपीय संघ का सदस्य बना था। 1970 में आज एक दिन मशहूर पॉप गायक एल्विस प्रेस्ली का निधन हुआ था। अमेरिका में मेम्फिस में प्रेस्ली का शव उनके घर के बाथरूम में पड़ा मिला था। 42 वर्षीय प्रेस्ली ने अपने जीवन काल में पॉप गानों को एक नए स्वरूप में ढाला और अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक उनके गाने बेहद पसंद किए गए। एल्विस प्रेस्ली का 1973 में अपनी पत्नी प्रिस्किला से तलाक हो गया था और इस तरह की चर्चा थी कि प्रेस्ली और जिंजर एल्डन की सगाई चुपचाप हो गई थी। हालांकि प्रेस्ली की मौत के बाद इस तरह के भी कयास लगते रहे कि उनकी मौत के पीछे नशीले पदार्थों का सेवन भी हो सकता है। और 2003 में युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन का निधन हुआ था। जद्दा शहर के किंग फैसल अस्पताल में करीब एक महीने से भर्ती रहे ईदी अमीन कोमा में थे। ईदी अमीन की गिनती अफ्रीकी इतिहास के सबसे क्रूरतम तानाशाहों में होती रही है। अमीन ने 1971 से लेकर 1989 तक युगांडा पर शासन किया था। तंजानिया की सेनाओं और निवासन में रह रहे युगांडा के निवासियों ने ईदी को सत्ता छोड़ने पर विवश कर दिया था। कहा जाता है कि युगांडा में ईदी अमीन के शासन के दौरान करीब 40,000 लोगों की हत्या हुई थी। कई हजार लोगों को जेल में भी डाल दिया गया था और उन्हें यातनाएं दी गई थीं।